हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं नहा करके आ गई हूँ और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो बस मैं नहा करके आ गई हूँ, थोड़े बहुत तैयार हो जाते हैं, इसके बाद फिर चलती हूँ मंदिर में। सफाई भी करनी है मंदिर की और साथ में माता रानी की चौकी लगा करके पूजा भी करना है। बट मैंने सोचा ना कि मैं पहले नहा करके फिर इसके बाद ही मंदिर को पूरा क्लीन करूँगी। वैसे तो मंदिर साफ़ करते रहना होता है, बट आज का दिन थोड़ा सा ऐसा है ना कि और अच्छे से सफाई करनी है। मैं आप लोग को दिखा दूं, पूजा का सारा सामान मैं कल ही लेकर के आ गई थी। ये पूरा श्रृंगार का सामान है, इस तरीके से अंदर है पूरा। और इसमें माता रानी की चुनरी है और साथ में ये मैं नारियल में चुनरी लपेटूंगी, वो वाली भी है। और धूप बत्ती है, कलावा है, साथ में पान है इसमें, वो भी है, नारियल भी है, नारियल नहीं सॉरी सुपारी। और इसमें बताता है तो सारा उनको भैया को बोल दो ना, तो वो खुद ही सारा सामान दे देते हैं पूजा का। तो बस अभी मैं पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने अपनी माता रानी की चौकी भी लगा लिया है, आपको दिखाऊं। और सारा पूजा का सामान भी मैंने सब यहीं पर रख लिया है ताकि मुझे बार बार उठ करके जाना ना पड़े। और बस मैं अभी अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ, अपने ये वाले भगवान जी की भी पूजा करूंगी। पूजा करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ और उदयन को ना मैंने सुबह ही स्कूल भेज दिया था। पहले मैं सोच रही थी नहीं भेजूँ क्या, इतना जल्दी सुबह कैसे क्या होगा, बट फिर मुझे लगा कि ये रहेगा घर में तो ज़्यादा लेट होगा, इतना डिस्टर्ब करेगा। लगा चलो ठीक है, आधे घंटे का टाइम इसको दे करके मैं भेज देती हूँ स्कूल ताकि फिर मैं तसल्ली से पूजा कर लूँ। और सच में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, उदयन नहीं था ना तो बहुत आराम से मैंने पूजा करी, वरना वो एक तो सामान नहीं सब कुछ इधर उधर फैला देता है, रखने नहीं देता है चुपचाप। तो बस अभी मैं पूजा करना स्टार्ट कर रही हूँ। और सच में नवरात्रि आती है ना, इतनी अच्छी वाइब आती है, एक अलग ही फील आती है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। वैसे तो इस टाइम पे ना जगह जगह आपको माता रानी के दर्शन करने को मिल जाएगा। और सारी पूजा की जो तैयारी थी ना, वो सब मैंने थाली में करके रख लिया है।
पूजा मेरी हो गई है और अभी मैं दिन की शुरुआत नारियल पानी से कर रही हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत घूम रहा था, जब से मैं सो करके उठी तब से ही, और पूजा करते करते फिर इसके बाद ना और ज़्यादा सर घूमने लगा था। तो फिर मैंने सोचा नारियल पानी पीते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी आराम से फिर अपना फलाहार वाला बनाऊँगी। थोड़ी देर तक मैं लेटी हुई थी, इसके बाद अभी मैं आ गई अपने किचन के काम में लग गई। और अभी वैसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठीक लग रहा था, तो मैंने बनाया है टमाटर की चटनी और साथ में आलू बॉयल कर लिया है। तो मैं आलू और कुट्टू का जो आटा होता है ना उसकी कचौड़ी बनाऊंगी, तो ये मुझे बेस्ट लगता है। जो लोग वो फलहार वाला नमक खाते हैं ना, तो उनके लिए फिर बहुत सारे ऑप्शन वैसे भी हो जाते हैं। तो अभी मैं आलू छील करके रख लेती हूँ और सारी तैयारी करके रख लूँगी, चटनी मैंने बना करके रख लिया है। इसके बाद फिर जब उदयन आएगा तब मैं गरम गरम बनाऊँगी, क्योंकि उदयन को भी ना ये आलू और कुट्टू वाली कचौड़ी बहुत पसंद है, तो बनाऊँगी गरम गरम, वो भी खा लेगा और साथ में हम लोग भी खा लेंगे। आपको दिखाऊं कचौड़ी बनाने के लिए मैंने डो तैयार कर लिया है, तो इसमें एक कुट्टू का आटा है, आलू है और थोड़ा सा सेंधा नमक, धनिया पत्ता बस इतना डाला हुआ है, और साथ में मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई हुई है। तो अदरक, सेंधा नमक, मिर्ची और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल करके ये मैंने टमाटर की चटनी बनाई है। तो बस अभी कचौड़ी मैं गर्मा गर्म निकालूँगी, घी डाल लेते हैं कढ़ाई में। उदयन स्कूल से आ गए हैं और अभी मैं बाहर चल करके ना दिखाती हूँ, वो जब स्कूल से आता है कितना ज़्यादा खुश होता है। अच्छा आप पहले बताओ आपका नाम क्या है? और मम्मा का नाम क्या है और आपका नाम क्या है? पापा कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। ऑफिस? तू कह दो जाओ ऑफिस। जाओ ऑफिस।
जाओ ऑफिस, बाय बाय कर लो पापा से, बाय बाय। कचौड़ी बन गई है और अभी लास्ट में अब मैं बैठ करके खा रही हूँ, तो ऐसे ही होता है। पहले मुझे रहता है कि मैं इन दोनों को खिला दूँ बना करके, फिर लास्ट में ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे से ना वैसे नहीं होता कि मैं बनाती जाऊँ या बीच बीच में खाती जाऊँ या पहले खा लूँ, फिर मन में ना एक रहता है कि अभी और बनाना है। तो मेरा हमेशा रहता है अगर मैं कुछ ऐसे टाइप की चीज़ें बनाती हूँ तो पहले इन लोग को बना कर खिला देती हूँ, लास्ट में मैं आराम से बना करके खाती हूँ। और उदयन को देखो, पापा के साथ भी खा लिया है लेकिन अभी उसको सुकून नहीं मिला। जब तक वो मेरे हाथ से मेरी थाली से नहीं खाएगा तो उसको नहीं सुकून मिलता। तो मैं अपने वीडियो का भी एंड करूंगी, अगर पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय।